मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण। इस 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभेच्छा। विगत वर्ष में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व रेलवे को अति विशिष्ट गोविंद वल्लभ पंत शील्ड एवं ऑपरेटिंग शील्ड प्रदान की गई, जिसके लिए मैं तहे दिल से टीम साउथ ईस्टर्न को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इस वर्ष भी हमारा कार्य निष्पादन अभी तक संतोषजनक है और अभी तक की कुछ मुख्य उपलब्धियां मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि नए जोनों के गठन से पूर्व दक्षिण पूर्व रेलवे लोडिंग क्षेत्र में सबसे अग्रणी था और विभाजन के बाद भी हम लोग मात्र 4% नेटवर्क पर भारतीय रेल का लगभग 13.3% माल वहन करते हैं। गत वर्ष की तुलना में हमारा ओरिजिनेटिंग लोडिंग का लक्ष्य 9.71% बढ़ा दिया गया है। हमने दिसंबर तक की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2% अधिक लदान किया है, किंतु यह अनुपातिक लक्ष्य से करीब 1.2% कम है। इसका मुख्य कारण कोयले की लदान को प्राथमिकता देना है, जिसकी वजह से हम लोग प्रतिदिन 10 से 12 लो अर्थ रेकों का कम लदान कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के समर्पण और कठिन परिश्रम की बदौलत हम लोग माल ढुलाई के बोर्ड द्वारा निर्धारित 155.5 मिलियन टन के लक्ष्य को पार कर एक नई ऊंचाई इस वर्ष के अंत तक हासिल करेंगे। हमारी ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग पिछले वर्ष की तुलना में 11.4% अधिक है तथा कुल ओरिजिनेटिंग अर्निंग पिछले वर्ष 9,920.8 करोड़ की तुलना में 10,911.8 करोड़ रही है, जो कि लगभग 10% ज़्यादा है, किंतु ये दोनों ही अनुपातिक लक्ष्य की तुलना में थोड़े से कम हैं। समय पालन 96% के लक्ष्य की तुलना में 96.78% रहा है। कोचिंग स्टाफ के बेहतर प्रबंधन से हमने अभी तक इस वर्ष 1162 स्पेशल ट्रेनें विभिन्न गंतव्यों जैसे पुरी, पुणे, यशवंतपुर, चेन्नई इत्यादि के लिए चलाई हैं। इस वर्ष सर्वाधिक 5536 अतिरिक्त कोच भी विभिन्न ट्रेनों में लगाए गए हैं। इस वर्ष 4 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया और 10 वर्तमान ट्रेनों के रूट का विस्तार किया गया। माल ढुलाई के साथ हमारा विशेष ध्यान यात्री सुविधाओं की ओर भी रहता है और इसमें सर्वप्रथम मैं स्वच्छता का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत हमने ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सेवा 66 ट्रेनों पर उपलब्ध कराई तथा 4 और ट्रेनों में मार्च 2018 तक ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। स्टेशनों की साफ सफाई के लिए मैकेनाइज क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं तथा साफ सफाई एवं सुरक्षा की निगरानी हेतु CCTV भी लगाए गए हैं। टाटा नगर स्टेशन को पूर्वी भारत में सर्वोच्च स्थान दिया गया। गुड्स अर्निंग को और बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में टाटा स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोवेको विस्टर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी 3 कंपनियों के साथ लंबी अवधि के करार को साइन किया गया है। वर्ष 2017-18 में हमने अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए मालुका, डोंगापोसी, आदित्यपुर, गमरिया सेक्शन में 76 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का निर्माण किया और उन्हें चालू किया। पहली छिमाही के आंकड़ों के आधार पर दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थिति सभी जोनों की तुलना में द्वितीय स्थान पर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम पुनः प्रथम स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। दिनांक 19/11/2017 को खड़गपुर में एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें 800
से ज्यादा रूट उपलब्ध कराए गए तथा दो नए प्लेटफॉर्म की कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई। यह कार्य बिना किसी व्यवधान के संतोषपूर्वक संपन्न हो गया और इसके लिए बोर्ड द्वारा 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी जोन को दिया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 4 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली चालू करी गई। इसके अलावा 9 स्टेशनों पर लीवर फ्रेम को हटाकर पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली लगाई गई। बिजली की खपत कम करने हेतु हरित पहल के तहत विभिन्न स्थानों पर 174 किलोवाट पावर के सोलर पैनल लगाए गए, जिनमें फरवरी 2018 तक 2050 किलोवाट पावर तक की अभिवृद्धि हो जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे पर प्रतिदिन 544 यात्री गाड़ियां और औसतन 500 माल गाड़ियों का यातायात होता है। इतने सघन यातायात को सुचारू रूप से चलाने में संरक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारा संरक्षा रिकॉर्ड भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है। हमारा प्रयास 0 दुर्घटना की ओर है। इसी क्रम में मानव रहित संपारों को समाप्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष 211 मानव रहित संपार समाप्त करने के लक्ष्य में है एवं अभी तक हमने 113 की प्रगति हासिल कर ली है। दक्षिण पूर्व रेलवे पर बचे हुए मानव रहित संपार अगले वर्ष में समाप्त करने की योजना है। संरक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और दक्षिण पूर्व रेलवे की जागरूकता के बदौलत एयरबैग सिस्टम के रखरखाव और संचालन में कई मूलभूत सुधार किए गए हैं। हमारे कर्मचारी हमारी शक्ति हैं और उनके स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। इस दिशा में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों की भर्ती, केंद्रीय अस्पताल में मॉड्यूलर ओटी की स्थापना की गई है, जिससे ऑपरेशन करना सुगम हो गया और कई जोखिम भरे मरीज स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों पर हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए गए हैं, जिसमें अब तक 84,355 रेल कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खड़गपुर मंडल में वार्षिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ वे साइड स्टेशनों पर रेलवे डॉक्टर की उपलब्धता बिल्कुल नहीं होती है। अतः वहां रहने वाले रेल कर्मियों और उनके परिवारों की सुविधा हेतु मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा का शुभारम्भ प्रायोगिक तौर पर सभी मंडलों पर शुरू किया गया है, जिसमें पैसेंजर ट्रेन के द्वारा एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सप्ताह में एक नामित दिन पूरा सेक्शन कवर करता है और कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करता है। हमने अपने खर्चे पर समुचित नियंत्रण रखा है और अनुपातिक बजट की तुलना में 212.9 करोड़ रुपए की बचत की है। इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2017 तक 4,332.6 करोड़ का सरप्लस जनरेट किया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2% अधिक है। माह दिसंबर 2017 के अंत तक हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 79.7 रहा है, जो कि पिछले वर्ष के 82.5 की तुलना से बेहतर है। सतर्कता विभाग की तत्पर कार्रवाई से अनकनेक्टेड डाइवर्टेड रेक्स के संबंधित बहुत समय से बकाया पड़ी लगभग 11 करोड़ की राशि वसूल की गई। कार्य में गुणवत्ता के लिए भी हमने सजगता बरती है, जिसके तहत खराब गुणवत्ता वाले आइटम रिजेक्ट किए गए तथा लगभग 42 लाख रुपए की राशि भी वसूल करी। सातवें पे कमीशन के तहत पेंशन रिवीजन का कार्य भी संतोषजनक रूप से किया जा रहा है और दक्षिण रेलवे पर अभी तक करीब 61,000 PPO रिवाइज कर लिए गए हैं, जो कि अन्य जोनों की तुलना में काफ़ी अच्छा निष्पादन है। यात्री सुविधाओं के अंतर्गत 4 लिफ्ट, 3 एस्केलेटर, 27 प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाना, 1 FOB का निर्माण इत्यादि कार्य पूरे किए गए हैं। 6 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य 7 स्टेशनों पर मार्च 2018 तक वाईफाई की सेवा उपलब्ध भी कराने का हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष आद्रा मंडल के गर्जयपुर में एक UTS भी खोला गया है। आद्रा मंडल के अधीन बोकारो में इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण चार्ट प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत झारसुगुड़ा में ऑनलाइन रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी सिस्टम की शुरुआत करी गई है। चक्रधरपुर मंडल के ही राउरकेला और झारसुगुड़ा में यात्रियों की सुविधा के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड भी लगाने की व्यवस्था की गई है। हरित पहल के संदर्भ में
हमने इस वर्ष दिसंबर 2017 तक 358 कोचों में बायो टॉयलेट लगाने की व्यवस्था करी है और माह मार्च के अंत तक 400 और कोचों में ये व्यवस्था लगाई दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हमारे रेलवे सुरक्षा बल अत्यंत सजग है और सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु 12 स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत 376 CCTV कैमरा लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त माओवादी गतिविधियों से प्रभावित 10 अन्य स्टेशनों पर 162 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 33 अन्य स्टेशनों पर निर्भया फंड से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। प्रतिदिन 150 से 160 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर तथा उपनगरीय ट्रेनों में सिक्योरिटी स्कॉट लगाए जाते हैं। उपनगरीय ट्रेनों के महिला डिब्बों में सुरक्षा हेतु 2 महिला वाहिनी टीमें भी गठित की गई हैं जो हावड़ा से खड़गपुर एस्कॉर्ट करने का काम करती हैं। हमारे RPF जवानों की सजगता के फलस्वरूप 280 यात्रियों के सामानों को ढूंढकर लौटाया जा सका तथा 147 चोरों को पकड़कर GRP के को हस्तांतरित किया गया। RPUP एक्ट के तहत 355 मामले 425 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई तथा 16.9 लाख रुपए की संपत्ति की बरामदी भी करी गई। दिनांक 1 दिसंबर 2017 से भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप जो कि UPI पर आधारित है के माध्यम से UPI, UTS और PRS के माध्यम से टिकटिंग की शुरुआत की गई है। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को और अधिक सफल बनाने में मदद करेगा। 10 स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन की स्थापना की गई जिससे यात्रियों को RO पेयजल की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। साथियों, हाल ही में हुई कुछ रेल घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक रेलकर्मी को अत्यंत सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि रेल यात्रा को हम और सुगम और सुरक्षित बना सकें। दक्षिण रेल पूर्व रेलवे पर औद्योगिक संबंध भी बहुत ही शांतिमय और सौहार्दपूर्ण है। प्रगति एक अनवरत प्रक्रिया है। हमारी उपलब्धियों से संतुष्ट होने से प्रगति की धारा बाधित होती है, अतः हमें अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। आगे भी हमें अपने निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा और लगन से नई चुनौतियों को स्वीकार कर कठिन परिश्रम के द्वारा नई ऊंचाइयों को हासिल करना है। सपने कोई जादू के माध्यम से वास्तविकता नहीं बन जाते हैं, जब पसीने, दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं। कोशिश करके देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। संभव की सीमा से बाहर निकलो, असंभव जैसी कोई बात नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। मैं आने वाले समय में आपकी सफलता, समृद्धि, खुशहाली और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। जय हिंद।